सोलन की संस्था शिक्षक क्रांति जो पिछले 6 वर्षों से गांव-गांव जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। संस्था के निस्वार्थ भाव को देखकर जिला सोलन के करीब 40,000 लोग संस्था से जुड़ चुके हैं। संस्था के 25 स्वयंसेवक प्रत्येक सप्ताह शहर के वार्ड और गांव को साफ सुथरा रखने का जिम्मा उठाते हैं और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी करते हैं। संस्था के संस्थापक सत्यन का मानना है कि जागरण से ही देश को स्वच्छ बनाया जा सकता है, इसीलिए शिक्षा क्रांति संस्थान को सामाजिक कार्यों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने जिला स्तर पर अवार्ड के लिए मनोनीत किया है। अधिक जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक सत्यन ने बताया कि वह प्रत्येक दिन करीब 8 घंटे शहर की सफाई और जागरूकता लाने के लिए व्यतीत करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने मिशन से स्वच्छता को राष्ट्र की प्राथमिकता बनाना चाहते हैं। देश में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है, उसी तरह स्वच्छता भी मौलिक मूल्य बने। उन्होंने कहा कि अगर देश को स्वच्छ बनाना है तो प्रदेश की सरकारों को जागरूक होना पड़ेगा और ठोस नीतियां बनानी होगी। उन्हें स्वच्छता को अन्य कार्यों के साथ साथ प्राथमिकता देनी होगी, तभी जाकर स्वच्छता मिशन कामयाब हो सकता है। कि जैसे नगर परिषद है, जिला प्रशासन है, या मैं कहूंगा कि सरकार है, उनके पास और भी अन्य तरह के काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्राथमिकता देनी होगी, स्वच्छता के कार्य के लिए प्रायोरिटाइज करना होगा। हमारे पास ठोस नीतियां बनानी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन यानी उनकी इन्फोर्समेंट भी उतनी ही शिद्दत से करनी होगी। मेरा उद्देश्य जो बचपन का जो गोल है, एम है, एम्बिशन है, वो अपने देश की सेवा करना है। तो इसीलिए दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं, क्योंकि हमने निस्वार्थ भावना से इतने समय तक कार्य किया है। भ्रष्टाचार के चलते हमें कहीं भी किसी भी स्तर पर 1 रुपया भी ग्रांट इन एड्स नहीं मिली है, लेकिन हमने इसका मुद्दा नहीं बनाया है, सिर्फ और सिर्फ आग्रह का रास्ता अपनाया है, क्योंकि जन जागरण ही स्वच्छता, वास्तव में स्वच्छता ला सकता है। जिस तरह हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरह से स्वच्छता भी एक फंडामेंटल वैल्यूज बने, यानी राष्ट्रीय मूल्य बने। ये हमारा विजन है और मिशन के बतौर हम सफाई अभियान करते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। सत्यन 6 वर्षों से जिला की 36 पंचायतों, 70 स्कूलों से 40,000 स्वयंसेवकों को अपने मिशन में शामिल करने में कामयाब हो चुके हैं, जो निरंतर जिला को स्वच्छ बनाने की कोशिश में लगे हैं। आज तक संस्था के इस मिशन को चलाने के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी संस्था के इरादों में कोई स्थिरता नहीं आई है और वह उसी उत्साह के साथ जिला को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वह चाहते हैं कि स्वच्छता को लेकर सरकार जागरूक हो, ठोस नीतियां नियम बनाकर राष्ट्र का स्वच्छता मिशन पूरा करने में सहायक हो।